हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं अपने ड्यूक पे पेपरिंग कराने वाला हूँ, हैंड ऑफ पीपीएफ। तो चलो प्रोसेसिंग में आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे हो रहा है। एंड आज हम लोग आए हैं कार एक्सपर्ट पे, कार एक्सपर्ट डिटेलिंग पे। एंड इसका अगर लोकेशन के बारे में बात करें ना, तो आपको नाडी लाना है आफ्टर क्रॉसिंग रॉयल एनफील्ड शोरूम, आपको आते ही जाना है, आते ही जाना है। एंड लेफ्ट साइड आपको राइट साइड आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। एंड इसका यूट्यूब चैनल ब्लॉग का तो आप देख लो, इनका भी चैनल है, तो चैनल पे जाना, विजिट करके इनका काम वगैरह आप देख सकते हो। बड़े बड़े गाड़ियों में ये पीपीएफ कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड पॉलिशिंग वगैरह भी आप करवा सकते हो, कोटिंग वगैरह भी ये करके देते हैं, वॉशिंग वगैरह भी करवा सकते हो, मतलब एवरीथिंग ये करते हैं, ठीक है। लेमिनेशन वगैरह भी, पीपीएफ वगैरह भी। फिलहाल मेरा ड्यूक पे वॉशिंग चल रहा है, आप देखो कैसे वॉश कर रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद जैसे स्टार्ट होगा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाऊँगा। प्राइस वगैरह के बाद में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। एंड देखते रहो क्या है, कैसा हो रहा है, कैसे नहीं, देखते रहो। ओके, तो फिलहाल हम लोग बाइक वॉश करवा के हम लोग आ चुके हैं अंदर। एंड ये रहा इंटीरियर, ठीक है। तो फिलहाल पीपीएफ करने से पहले इसका जो साइड पैनल है ना, दोनों साइड का, वो हमने खोल चुके हैं भैया लोग। एंड यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पार्ट देख लो, यहाँ पे भी एक कवर रहता है, ठीक है, वो भी खोल चुके हैं ताकि इस चीज़ को अच्छे से कवर कर पाएँ। एंड सही है, अगर ये चीज़ नहीं खोलते ना तो बस यहाँ तक आता, इतना तक आता। और ये पैनल खोलने के बाद पूरा टैंक कवर कर पाएंगे, ठीक है। एंड हम लोग कराएँगे टैंक पे। एंड कहाँ गया वो पैनल, में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, दिख नहीं रहा है अभी, उस पैनल पे एंड साइड पैनल पे। सो तीन जगह पे हम लोग करवाएंगे, एंड फ्रंट मडगार्ड पे भी करवा लेंगे, ये खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चार पार्ट ही करवाएंगे, ज़्यादा नहीं है। एंड बने रहो, एंड मैं स्टार्टिंग जब करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होते ही मैं आपको दिखाऊँगा।
We'll be right back.
ओके, तो अभी तक आपने देखा बाइक पे कैसे भैया लोगों ने पीपीएफ वगैरह किया। तो दो दिन बाद बाइक लेके निकला हूँ एंड थोड़ा गंदा हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिनिशिंग वगैरह कैसे हुआ है। एंड अगर आप पीपीएफ करवाते हो तो लास्ट में जो उन्होंने फिनिशिंग दिया है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो आपने वीडियो में देखा होगा, फिर भी चलो दिखाता हूँ। उस समय तो अंधेरा था ना, मतलब ऑलरेडी रात हो चुका था। अभी डायरेक्ट सनलाइट पे कैसा दिख रहा है, चलो। सो ये देख लो, जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पार्ट है ना, एज जो पार्ट है ना, तो वहाँ पे भैया ने एक छोटा सा बॉर्डरिंग करके दिया है। ये उठ जाएगा, उन्होंने बोला कि बाद में दो ऑलमोस्ट वन वीक बाद इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो देखते हैं। एंड अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा देखोगे ना तो बबल्स वगैरह है। ये धीरे धीरे जाएगा, मैंने उनसे पूछा था, वो उन्होंने बताया कि ये धीरे धीरे जाएगा। तो धूप वगैरह वैसे दे नहीं रहा है अभी, ठीक है, बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से मतलब धूप में जब आप रखोगे तो अच्छे से सूख जाएगा, ये चीज़ एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड बाकी उतना कुछ टैंक वगैरह पे देख लो, कोई कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड। यहाँ पे टैंक पे कोई बबल्स नहीं है। मुझे इस पार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, पर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि मैट पार्ट है ना। एंड ये KTM का जो लोगो देख रहे हो, लोगो के साइड में देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये धूप लगने के बाद ठीक हो जाएगा। एंड ये एक छोटा सा पार्ट रह गया है, बाकी ये चीज़ वो निकाल देंगे आफ्टर वन वीक। मीटर पे हमने करवाया था, ये छोटा सा एक ब्लैक टिंट हमने करवा दिया था, क्योंकि रात को ना जब आप ड्राइव करोगे ना, ये इतना ज़्यादा ब्राइट है ना, थोड़ा दिक्कत लगता है रात को ड्राइविंग करते वक्त। तो इसको लगाने के बाद अभी थोड़ा जो ब्राइटनेस है कम चुका है, तो सही है। राइट, जब आप नाइट राइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड ये जो आप देख रहे हो इस पार्ट पे, हेडलैम्प के साइड वाले पार्ट पे, यहाँ पे भी हमने करवाया था। एंड यहाँ पे भी बॉर्डरिंग दे के रखा है ना, कुछ दिन बाद इसको भी निकाल देंगे। एंड फ्रंट मडगार्ड पे भी हमने करवाया था, इस यहाँ से लेके पूरा एंडिंग तक, ठीक है, एंड साइड पे भी। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे भी कोई बबल्स वबल्स का कोई सीन नहीं है, बस ये बॉर्डर निकलने के बाद समझ में भी नहीं आएगा कि हमने यहाँ पे पीपीएफ करवाया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हुआ है, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। प्राइस वगैरह के बारे में बात करें तो लुक, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का बाइक उनके पास लेके जाते हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी रॉयल एनफील्ड की बाइक लेके जा रहे हो तो वहाँ पे प्राइस आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो पार्ट्स है ना, जो उस पर जो काम है ना, थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। तो डिपेंड करता है कि कैसे आप लेके जाओगे, मतलब किस तरह का गाड़ी आप लेके जा रहे हो, उस पर आपका प्राइस डिपेंड करेगा। बाकी वो काम मुझे काफ़ी सही लगा, एंड प्राइस वगैरह भी थोड़ा वो कंपेयर टू मार्केट में मैं घूम रहा था तो 6000 के आसपास, 7000 के आसपास वो बोल रहे थे, पर जब हम लोग वहाँ पे गए तो काफ़ी कम था, मार्केट में जितना प्राइस था उससे भी कम प्राइस में हो गया। तो यही सही है, मतलब सही लगा मुझे, हमने करवा लिया है। तो RK का भी बाइक में हुआ है रॉयल एनफील्ड पे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही जल्द, कैसा फिनिशिंग वगैरह हुआ है एंड कैसा मतलब हुआ है उस बाइक पे, ठीक है। पूरा ग्लोसी है वो बाइक, ठीक है, उस जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसा भैया ने काम किया है। वीडियो नहीं कर पाया पर आपको एक झलक दिखा दूंगा जैसे मैं उसके साथ मिलता हूँ। बाकी आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आप भी करवाना चाहते हो तो सिलचर से अगर आप हो तो आप जाना उनके शॉप पे, आप करवा सकते हो, ठीक है। एंड आप बता देना कि मेरी वीडियो देख के आए हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट वो दे देंगे। तो चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, पीस।